आगे क्या था,
जिसके लिए अजाब की बात पक्की हो चुकी है, तो क्या ये जन्नत में जाने वाले के बराबर है? लेकिन इसको पोशीदा रखा गया ताकि इम्तिहान हो कि गौर से कौन सुन रहा है। अब इस पाए आगे अफमन शरह अल्लाह, तो क्या एक वो आदमी जिसका अल्लाह ने खोल दिया सदरा हो उसका सीना लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए, उसको इस्लाम की हर बात अच्छी लगती है, उसके दिल के अंदर उतरती जाती है और वो कहता है कि ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। फहुव अला नूरिन मिन रब्बिही, फिर वो ज़िंदगी का सफ़र करता है कैसे, जिस तरह एक आदमी अंधेरे में बेहतरीन उसके पास लाइट होती है, दूर दूर तक उसको रोशनी आँख नज़र आती है, उस रोशनी में वो अपनी गाड़ी ज़िंदगी की दौड़ाता है, और दूसरा आदमी जो गुम अंधेरे में और गाड़ी की लाइटें भी गायब, तो वो क्या चल सकता है इसके बराबर? एक वो आदमी जिसका सीना अल्लाह ने खोल दिया इस्लाम के लिए और वो अल्लाह की तरफ से एक रोशनी पर है, वो रोशनी में पूरे यकीन के साथ अपना सफ़र कर रहा है कि मैं ज़िंदगी का जो कदम उठा रहा हूँ वो बिल्कुल हक की तरफ उठा रहा हूँ, वो कामयाबी की तरफ उठा रहा हूँ। आगे क्या कहना था, तो क्या वो जो अंधेरों में भटक रहे हैं वो इसके बराबर हैं? क्या वो जिनके दिल पत्थर हो गए हैं क्या वो इनके बराबर हैं? लेकिन उसको बताया नहीं गया, तो वो तय कैसे करेंगे? आगे लफ्ज़ आ रहा है वैलुल कासियत कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, तो तबाही है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह की याद के मुकाबले में सख्त हो गए हैं, पत्थर हो गए हैं, कोई बात उनके दिल के अंदर उतरती नहीं है। तो क्या तुम दोनों को बराबर समझ लोगे? अभी बात नहीं खुली। ये शरह सदर क्या चीज़ है? खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गालिबन हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, कुर्तुबी ने इस रिवायत को नकल किया, रिवायत भी बहुत अच्छी तरह याद है, सहाबी हजरत साद हैं गालिबन, हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला ने आपसे पूछा ये शरह सदर क्या होता है? आपने फरमाया अल्लाह के दीन, अल्लाह के दीन का नूर, अल्लाह का नूर दिल में उतरता है, और जब दिल में नूर उतर जाता है तो फिर आदमी को दीन की खूबी समझ में आती है, फिर हर चीज़ की भलाई उसको दिखाई देती है, फिर उसको एहसास होता है कि खैरात करने का क्या फ़ायदा है, लोगों के रोज़े खुलवाने का क्या फ़ायदा है, इस वक्त में गरीब यतीम मिस्कीन को तलाश करके उनके ऊपर खैरात करने का क्या फ़ायदा है, फिर उसको कीमत नज़र आती है, रात को जागने में क्या मज़ा आता है, फिर उसको एहसास होता है कि कुरान पाक पढ़ने का क्या मज़ा आता है। आपने फरमाया जब दिल में नूर घुस जाता है तो आपके अल्फाज आगे ये हैं कि फिर उसको दुनिया हेच नज़र आती है आखरत के मुकाबले में, और उसको आखरत की फिक्र लाहिक हो जाती है, और अब ज़िंदगी का एक एक लम्हा उसका आखरत की तैयारी में गुजरता है कि मुझे तो जाना है, ये ज़िंदगी तो फ़ानी है, ये तो चार दिन की बात है, और यहाँ की कामयाबियाँ भी नाकामियाँ हैं, असल कामयाबी तो आखरत की है। जब उसके दिल में ये बात बैठ जाती है फिर उसको दीन की खूबी समझ में आती है। इस बात को दो हदीसों के साथ और जोड़े अभी तो फिर और खुलकर बात समझ में आएगी। कभी कभी जहानत तो अल्लाह की देन है ना, तो गैर ईमान वाला भी वो बात समझता है कि जहाँ हम जैसा सादा आदमी बेवकूफ़ आदमी गौर करके देर में पहुँचता है। बुखारी शरीफ में एक हदीस बार बार आती है, वो हदीस क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत लिखे, उनमें से एक खत लिखा उस वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर रोमन एम्पायर रूमी बादशाह के नाम, और उस वक्त में जो रूम का बादशाह था, ऐसे तो हर बादशाह को कैसर कहते थे लेकिन उसका नाम हिराकल था, उसको खत लिखा। उस वक्त में वो इत्तेफाक से शाम में था, उसने अपने लोगों को कहा कि दौड़ाओ, कोई आदमी हरम का रहने वाला इस इलाके में है, और अगर कोई पूरा काफिला मिला तो पूरा काफिला लेकर आ जाओ। उसके लोग दौड़े तो एक जमात शहर में घूम रही थी, उसको पकड़ कर ले आए। उसमें हजरत मुआविया के वालिद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत उम्मे हबीबा के वालिद हजरत अबू सुफियान भी थे, मगर ये भी ईमान नसीब नहीं है।
इस काफले को बुलाया गया तो हिराकल ने बड़ी चालाकी से, ये तो जहानत अल्लाह की देन है, उसने काफले वालों को पीछे बिठाया, अबू सुफियान को आगे बिठाया और काफले वालों को कहा कि मैं इससे कुछ बातें पूछूंगा, अगर ये सही जवाब दे तो तुम भी सर हिलाना के ठीक बोल रहा है और अगर ये गलत जवाब दे तो तुम इनकार करना ये गलत बोल रहा है। उसको बताइए इसके साथी हैं, ये नहीं गलत बात पर टोकेंगे और नहीं मुझे हकीकत बताएंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, उनके चेहरों को देख रहा है, बात इससे पूछता है उनके चेहरों को देखता है कि उनके चेहरों की रंगत बताएगी कि ये सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं जवाब दे रहे हैं। उसने बहुत सारे सवाल किए, उसका मौका नहीं, एक सवाल उसने आखिरी किया, उसने कहा कि ये बताइए जब इनके दीन में कोई दाखिल होता है तो क्या दीन से नाराज होकर के कोई वापस काफिर भी बनता है? और ये बड़ा टेढ़ा सवाल था, क्यों? खुद अबू सुफियान का दामाद काफिर हो गया था, अबू सुफियान का दामाद जिसके घर में पहले हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, वो ईमान लाया, ईमान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और फिर ईमान की बुनियाद पर हबशा की हिजरत की, जिसका मैंने कल तज़किरा किया है, इथियोपिया, इतना दूर गया हिजरत करके, लेकिन वहां जाकर के ईसाई औरत के इश्क में मुर्तद हो गया, ईमान छोड़ दिया, हजरत उम्मे हबीबा बेयार मददगार रह गए। उसी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया है। तो अबू सुफियान के लिए बड़ी इम्तिहान की घड़ी है, वो कह सकता था जनाब मुर्तद होते हैं इस दीन से लोग, मेरा दामाद मुर्तद हुआ है, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, लेकिन उसने ये बात नहीं कही। क्यों? वो कहता है मैं अरब का सरदार था, मुझे डर था कि ये पीछे वालों की चेहरे की लकीरें इसको बता देंगी, तो कहा कि मैंने क्यों नहीं कहा मेरा दामाद मुर्तद हुआ? उसने कहा कि सख्तन अल दीनी, कोई इनके दीन से नाराज होकर के मुर्तद हुआ है तो मेरा दामाद दीन से तो नाराज नहीं हुआ, वो तो इस एक ईसाई औरत के इश्क में मुर्तद हुआ था, मैं किस मुंह से उसको कह देता कि वो दीन से नाराज होकर के मुर्तद हुआ है। उसने अबू सुफियान से ये सारे सवाल करता गया तरतीब से, और जब उसने अपने सवाल कर लिए तो उसने फिर पलट करके एक एक सवाल के जवाब पर तबसरा शुरू किया। इस सवाल के जवाब पर जो तबसरा किया मुझे वो बताना है खाली। उसने कहा कि मैंने तुमसे पूछा था इनके दीन से कोई नाराज होकर मुर्तद भी होता है, और तुमने कहा कोई नहीं मुर्तद हुआ, और ये बात बहुत याद करने की है कि दीन से नाराज होकर कोई शख्स आज तक मुर्तद नहीं हुआ है, जितने मुर्तद हुए हैं कोई पैसे की लालच में उनके दिल में नींद आई नहीं था। उसने कहा कदालिका, इसी तरह होता है जब दीन बशाशत कल्ब के साथ मिल जाता है, उसके अल्फाज हैं, जब दीन दिल की खुशी के साथ घुल मिल जाता है फिर उसको मार पीट कर या किसी तौर पर भी दिल से निकाला नहीं जा सकता। यही अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ईमान का नूर क्या है, जब दिल के अंदर उतर जाता है उसको दीन की खूबी नजर आने लगती है। मैंने कहा था दो हदीसें इसके साथ जोड़ दो, एक और हदीस हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मैंने अर्ज किया एक दिन कि जो खूबियाँ हजरत खदीजा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की, जबकि हजरत खदीजा तब ईमान वाली नहीं थी, बिल्कुल यही खूबियाँ इब्ने दगना ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बयान की, जबकि इब्ने दगना भी अभी मुसलमान नहीं हुआ था। चलो वो हदीस तो आपको याद है, आगे बढ़े। सुलह हुदैबिया के मौके पर अब वो किस्सा आपके ज़हन में होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा करने के लिए गए, मक्का वालों ने मक्का में दाखिल होने से रोक लिया, उसके ऊपर एक मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के उससे तय हुआ कि आप अगले साल आ सकते हैं, इस साल नहीं। उस मुआहिदे की छः शर्तें थी, एक हर शर्त बड़ी टेढ़ी थी, उन्होंने सख्त किस्म की शर्तें मनवाई। मसलन पहली शर्त थी आपने कहा बिस्मिल्लाह लिखो, उन्होंने नहीं लिखवाने दिया। दूसरी शर्त थी कि लिखो ये वो वायदा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का वालों के बीच में हुआ, उन्होंने कहा ये नहीं लिखने देंगे हम, अगर आपको अल्लाह का रसूल मानते फिर जंग किस लिए करते, लिखो मोहम्मद सन्नाफ अब्दुल्ला, अल्लाह अकबर। उनकी बड़ी टेढ़ी शर्त वो क्या, हमने से कोई आदमी मुसलमान होकर के मदीना आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और तुम्हारा कोई बंदा काफिर होकर वापस मक्का आएगा हम वापस नहीं करेंगे, ये टेढ़ी शर्त है।
यही वो बातें थी, हजरत उमर से बर्दाश्त नहीं हुआ। और तन्हा हजरत उमर की बात नहीं है, सबका हाल ये था, लेकिन वो गलबाए हाल के ऊपर काबू ना पा करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सख्त जुमला का अलस्त नबी या हक्का, मुझे बताइए आप सच्चे नबी हैं क्या, आप सच्चे नबी नहीं हैं, सख्त जुमला है। आपने फरमाया बिल्कुल मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। फिर दूसरा सवाल, क्या ये दीन सच्चा दीन नहीं है? आपने फरमाया ये सच्चा दीन है। ऐसे कुछ और सवाल किए, फरमाया फिर हम दब करके क्यों सुना कर रहे हैं, उम्र जिंदा हो और इस तरह दब करके ये सुना हो। फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त में अल्लाह का हुक्म यह है कि इनसे सुलह ही करनी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला यही बातें लेकर के हजरत अबू बकर के पास गए। जो जवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को दिया था, बिल्कुल वही अल्फाज, वही जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया, ये क्या सच्चे नबी नहीं? कहा बिल्कुल सच्चे। कहा दीन सच्चा नहीं? कहा बिल्कुल सच्चा। कहा हम दब कर सुलह कर रहे हैं? कहा हम बिल्कुल कर रहे हैं। कहा क्यों कर रहे हैं? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और फरमाया ओ आदमी क्या सोच रहा है, अल्लाह के नबी की रिकाब को पकड़े रखो यहाँ तक कि तुमको मौत आ जाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी कभी भी अल्लाह के दीन की मुखालफत नहीं कर सकते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। यही जुमला हुजूर ने उनसे फरमाया था। अब सवाल यह है कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के दिल में ये जुमला कैसे आया? ये है नूर इब्ने रब्बी, उनके दिल में भी अल्लाह का नूर है। जो जवाब हो सकता था उसका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, नूरे ईमानी की बुनियाद पर यही जवाब हो सकता है, पर यही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने दिया। अल्लाह मुझे और हम सबको अपना नूर अता फरमाए। अफमन शरह अल्लाह, तो क्या वो आदमी शरह अल्लाह खोल दिया अल्लाह ने सदरा हो जिसके सीने को, बिल इस्लामी इस्लाम के लिए, फहुवा अला नूरिन मिन रब्बी, तो वो अल्लाह की तरफ से नूर पर है, लाइट पर है, उसके पास रोशनी है, उस रोशनी में अपनी जिंदगी का सफर कर रहा है, दौड़ा जा रहा है। एक ये आदमी है और दूसरा जिसकी गाड़ी की दोनों लाइटें खराब हो गई और पूरा ही अंधा है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? और जिसके पास अल्लाह का नूर नहीं, जिसका दिल इस्लाम के लिए नहीं खुला, समझो कि बेचारा अंधा है। फवैलुल लिल कासियती, इसका दिल नरम है, ईमान वाले का दिल नरम किसके लिए? अल्लाह के दीन के लिए नरम, अल्लाह के कुरान के लिए नरम। जब उसके सामने कुरान पाक पढ़ा जाता है उसका दिल पसीज जाता है। सातवें पारे के शुरू में हमने पढ़ा वइज़ा समिउ, जब ये कुरान पाक सुनते हैं, तरा आयुनहुम तफीदु मिन अद्दमअ, आप देखते हैं इनकी आंखें आंसुओं की वजह से बह पड़ती हैं। कभी आंखें भी बहती हैं, आंसू बहते हैं, लेकिन कितना मुबालगा किया, आंसू नहीं बहते, समझो कि इनकी आंखें ही आंसू के सैलाब में बह जाती हैं। ये ईमान वालों की पहचान है। इसका मतलब कि उनका दिल अल्लाह के कुरान के लिए नरम है, अल्लाह के दीन के लिए नरम है। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ जाइए, अल्लाह के बंदों के लिए नरम है, उनसे बंदों की परेशानियां देखी नहीं जाती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊँट ने सर झुकाया, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने फरमाया कौन है ऊँट का मालिक? ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसको चारा कम देते हो और बहुत ज़्यादा लाते हो। आपसे ऊँट की ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। आपके पास एक चिड़िया चू चू करते हुए आई, आपने फरमाया ये मुझसे शिकायत कर रही है, इसके बच्चे को किसने पकड़ा है, ये रो रही है, इसके बच्चे को छोड़ दो, इसी ने उनके बच्चे को घोंसले से उठा लिया था, उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया। ये जानवरों की तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो इंसानों की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं? ये दिल की नरमी है। इसके मुकाबले में जिसके दिल में नूरे ईमान नहीं, उसका दिल सख्त है। कैसा सख्त है? फवैलुन, बर्बादी है, लिल खासियत कुलूबुहुम, उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हैं, मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद की तरफ से, उनके लिए कुरान पाक सुनाओ और ज़बरदस्त कुरान पाक के मकाम सुनाओ, उनके दिल पर कोई असर नहीं होता है, क्यों? दिल मुर्दा हो गए हैं, दिल पत्थर हो गए हैं। अल्लाह के अहकाम उनको बताए जाएं, अल्लाह के अहकाम के लिए उनके दिल नर्म नहीं होते। और ये तो गैर महसूस चीज़ें, महसूस चीज़ों में आ जाओ, दुनिया की तकलीफ देख कर भी उनके दिल कभी नर्म नहीं होते।
बेवाओं की सिसकियां, यतीमों की आहें और बूढ़ों की चीखें इनको सुनाई नहीं देती हैं। वो एटम बम मारते हैं, मरे जो मरते हैं, निफाम बम मारते हैं, जो जले जो जलते हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। उनको चार कुएं के पेट्रोल के चार कुएं चाहिए, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। आप कहें वो भूखा मर रहा है, वो ऐसा हो रहा है, भूख क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। ये वो तबका है जिनके दिल मुर्दा हो जाते हैं। अफमन शरह अल्लाह, क्या जबरदस्त ये आयत है, बार बार इसको पढ़िए। फवैलुन, तो बर्बादी है, लिल कासियत कुलूबुहुम, उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हो गए मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से। उलाइका फी ज़लालिन मुबीन, ये तबका होता है कुल्लम कुल्ला गुमराही में, ये जिनके दिल सख्त होते हैं, जिनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, ये अंधे हो जाते हैं। फिर इनको अल्लाह का कलाम नहीं दिखाई देता। अल्लाहु नज़ल अहसन अल हदीस, अल्लाह वो है नज़ल अहसन अल हदीस, जिसने बेहतरीन हदीस उतारी। और कुरान के ज़माने में हदीस से मुराद बात, यानी कुरान की बात, कुरान उतारा। जगह जगह कुरान के लिए लफ्ज़ हदीस भी आया, फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, और जो इस कुरान को नहीं मानते वो किस बात को फिर मानोगे इसके बाद। फलियाती की हदीस मिसली ही, जो इस कुरान को नहीं मानता इसके जैसी एक बात लेकर के आए। तो कुरान में जब भी हदीस का लफ्ज आता है तो किसके लिए आता है? कुरान के लिए। अल्लाहु नज़ला, अल्लाह वो है नज़ला, उसने उतारा अहसन अल हदीस, सबसे बेहतरीन बात। आज तक ऐसी किताब का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तौरात और इंजील और ज़बूर, सारी किताबें इकट्ठी कर दो, कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं। सबसे बेहतरीन किताब उतारी, कैसी किताब? यानी किताब मुतशाबिहा, ऐसी किताब उतारी जिसके मज़ामीन आपस में मिलते हैं। कोई लिखने वाला जो कोई लंबी किताब लिखे, जिसको ज़ौक हो वो बात समझता है। अगर किताब लंबी हो जाए और दो तीन साल तक लिखते लिखते गुजर जाए तो हज़रत को ये याद ही नहीं रहता है कि शुरू में क्या लिख रहा था और आखिर में क्या लिख रहा था। और अगर ऐसे लोगों को देखना हो तो रामिनत कादियानी की किताब को देखो, नाउज़ बिल्ला, 10 मिनट पहले कुछ लिख रहा होगा, 10 मिनट के बाद कुछ लिख रहा होगा, कभी आसमान की, कभी ज़मीन की, कभी इधर की, कभी उधर की, क्यों? पिछली बात याद नहीं रहती। कुरान का क्या कमाल है, 23 साल के अंदर नाजिल हुआ है, लेकिन किसी बात में इख्तिलाफ नजर आता है। लोकान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की किताब होती तुम इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। मगर ये कैसी किताब है? मुतशाबिहा, इसके मजामीन आपस में मिलते हैं, हालांकि लंबे अरसे में उतरी है। और इससे बढ़कर एक और बात, चंद मजामीन हैं जो इंसानों के दिलों में उतारने, इसलिए उसी मजमून को बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि महज सुनाना मकसद नहीं है, दिल के अंदर उतारना मकसद है, इसलिए बात को बार बार दोहराया जाता है। लेकिन एक ही बात को अगर एक ही लफ्ज में बार बार रिपीट किया जाएगा तो आदमी सुनकर के तंग हो जाता है। अगर ये बात समझनी हो तो साइंस के स्टूडेंट से मुलाकात कीजिए, वो कितना तंग पड़ता है। साइंस की किताब याद, अभी तो वो पढ़ी थी वहाँ, अब फिर वो बात दोबारा लिख रहा है। इससे ज़्यादा ये बात पढ़ करके तंग होता है कानून की किताब, ला की किताबें पढ़ के तंग हो जाता है। जब छुट्टी मिलती है फेंकता है, यार मेरी जान छूटी किसी तरह, किस किस को आर्टिकल, इतना आर्टिकल, इतना याद होगा, हो गया ना, आप कितना से याद करूँ, बार बार नहीं पढ़ा जाता है। ये कमाल है कुरान का। एक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, पहले पारे से सुनाना शुरू किया और 30वें पारे तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है, मगर कुरान अंदाज कैसे बदलता है, अल्फाज कैसे बदलता है, पढ़ने वाले को हर जगह लगता है कि नया किस्सा पढ़ रहा हूँ, हालांकि वो नया नहीं पढ़ रहा होता है, वो वही पढ़ रहा होता है। मसलन हम असल में 4 मजमून पढ़ रहे हैं सूरह यासीन से, आखिरत है, अल्लाह अकेला है, कुरान सच्चा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, ये 4 ही मजमून हैं। लेकिन अंदाज कैसा बदलता है, कोई कह सकता है हमने पढ़ा था अभी ना, हर एक नया नया मजमून लग रहा है। किताब मुतशाबिहा, ऐसी किताब उतारी है जिसके मजामीन आपस में मिलते हैं। मसानिया, हालांकि वो बार बार दोहराई जाने वाले हैं मजामीन, पलट पलट करके वो मजमून आते हैं, मगर उसके बावजूद कैसी है किताब, तक्शाइरु मिनहु जुलूद, तक्शाइरु, बाल खड़े हो जाते हैं मिनहु इससे, जुलूदुल्लदीना, उन लोगों की खालों पर, ये मैंने तर्जमा किया वरना लफ्जी माना है खाल खड़ी हो जाती है, हम कहते हैं उर्दू में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी बात मैंने देखी, मेरे तो जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए।
रोंगटे क्या होते हैं, बाल खड़े हो गए। फरमाया बाल नहीं की खाल भी खड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा मुबालगा। बाल खाल पर बाल खड़े हो जाते हैं किन के, अल्लज़ीन यख्शौन रब्बहुम, उन लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यख्शौन रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं। और जिनका उनके दिल में रब का खौफ ही नहीं, उनको जो मर्जी सुनाते हैं उसको तो पता ही नहीं चलता है, उनको तो एक मकाम पर कहा ये नशे में चूर हैं, इनको जिंदगी का नशा चढ़ा हुआ है। अब नशे वाले को आप कहे कि सब तालीमें पढ़े हैं आप, मैं कहाँ पढ़ा हूँ, मैं तो आसमानों में घूम रहा हूँ, नशा है तो जिंदगी का, दुनिया का नशा चढ़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, तक शायर बाल खड़े हो जाते हैं, मिन हो इससे जुलूद उन लोगों की खानों पर, अल्लज़ीन यख्शौन रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं। फिर क्या होता है, ثم تلين جلودهم, फिर उनकी खालें नरम होती हैं, और फिर खालों का असर अंदर पड़ता है, वो قلوبهم, फिर उनके दिल नरम होते हैं, और जब दिल नरम होते हैं तो इला ذکر اللہ, अल्लाह की याद की तरफ वो मुतवज्जे हो जाते हैं। जब भी उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, जो अल्लाह से डरते हैं उनको अल्लाह का ध्यान आ जाता है, आखरत की याद आ जाती है, फिर हर काम उनका आखरत के लिए होता है। फिर इस आयत को ثم تلين جلودهم, फिर नरम पड़ती हैं उनकी खाले, वो قلوبهم, और उनके दिल, इला ذکر اللہ, अल्लाह की याद की तरफ, यानी मुतवज्जिहीन इला ذکر اللہ, इस हाल में कि वो अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, बस कुछ याद नहीं रहता, बस अल्लाह की याद रहती है, अल्लाह का जिक्र रहता है। ज़ालिका हुदल्लाह, ये है अल्लाह की हिदायत जो अल्लाह बंदों को देना चाहता है, यहदी बिही मन यशा, इसके जरिए से जिसको चाहता है उसको रास्ता दिखा देता है, ये रास्ता इंसानों को मिले, अल्लाह के कुरान को सुन करके उनके दिल नरम हों, दुनिया की परेशानियां देख करके उनके दिल नरम हों। वमन युज़लिलिल्लाह, और जिसके बदअमाली की वजह से मन युज़लिल, अल्लाह गुमराह कर दे उसको, यानी अल्लाह उसको रद्दाए दरगाह कर दे, जा दफा हो जा, तेरे दिल के ऊपर बहर लग चुकी है, अब कुरान से भी तुझे कुछ फायदा नहीं, फना लहू मिन हाद, तो नहीं है उसके लिए कोई हिदायत देने वाला, सारी दुनिया मिलकर उसको समझाए अब उसको हिदायत नहीं मिलती, क्यों, इसलिए कि वो अपनी बदअमाली की वजह से वहां पहुंच गया जहां वापसी नहीं है। गाड़ी बसा औकात गिरते गिरते ऐसे मोड़ पर पहुंचती है, आप कहें ड्राइवर साहब आप कट मारिए और ये कीजिए, कार नहीं आप तो ट्रेन से भी नहीं उठेगी, आप तो सीधे नाली में ही गिरेगी। ये वमन युज़लिलिल्लाह, और जिसकी बदअमाली की वजह से अल्लाह उसको गुमराह कर दे, फमा लहू मिन हाद, नहीं है उसके लिए कोई हिदायत देने वाला। ओ फिर तो वही अंदाज पहले वाला, अब दो किस्म के लोग हैं, दोनों का मुकाबला करो, तो ये क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, कौन कहा, एक वो आदमी है जो क़यामत के दिन जहन्नम की आग को अपने मुंह से हटाएगा, बड़ी बात, दुनिया में आदमी क्या करता है, कितनी बड़ी भी तकलीफ आए तो मुंह से बचाता है आदमी, यानी मुंह पर ना आ जाए, मार पड़े तो आगे हाथ रखेगा, भाई हाथ भी तो कट जाएंगे, लेकिन वो तलवार भी आगे हाथ रखता है चेहरे पर ना पड़े, और गर्मी आए तो चेहरे को बचाता है, लेकिन क़यामत की वो सजा है, जहन्नम की वो सजा है, जहाँ हाथ तो पीछे बंधे हुए हैं, अब आग को अगर हटाएगा तो चेहरे से ही हटाएगा। एक वो आदमी जो अपने चेहरे से आग को हटा रहा होगा, या वो आदमी, और ये हिदायत वाले आदमी दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन हमने क्या किया, इस पहले वाले को हजफ कर दिया, ये जो हिदायत पर चल रहा है ये, और दूसरा जो अपने चेहरे से आग को हटा रहा है, या चेहरे से आग को हटा रहा है, इसको भी हम किया, इसको छोड़ दिया, इसी को कहते हैं अदील पोशीदा है। अफमन यत्तकी, तो क्या वो आदमी जो बचाता है बेवजह अपने चेहरे के जरिए से, यानी किसी और चीज से नहीं हटा रहा है आपको, बल्कि अपने चेहरे के जरिए से हटाएगा, सु अल अज़ाबी, बदतरीन अजाब को, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, तो क्या वो आदमी और ये जिसको अल्लाह ने नूर ईमान अता फरमाया, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। वकील अलिज़ालिमीन, और कहा जाएगा ज़ालिमों से, ज़ूको, चखो ना, मा कुंतुम तकसिबून, उस कमाई का मजा जो तुम कमाया करते थे, तुम्हें कोई न्याय नहीं कुछ दे दिया जा रहा है, जो भोगे वही काटोगे, जो तुमने किया था उस कमाई का मजा चखो। वकील अलिज़ालिमीन, और कहा जाएगा ज़ालिमों से, ज़ूको, चखो, मा कुंतुम तकसिबून, जो तुम कमाया करते थे। मैं एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा अलग अलग करता हूँ,
ताकि शौक पैदा हो आपको भी कि मुश्किल नहीं है समझना, वरना असल तरीका तो वही है कि एक मुहावरे का सेट शुदा तर्जमा हो मगर वो तर्जमा नहीं होता है, वो तर्जमा याद नहीं रहता है, तर्जमा तो वही है। इसलिए मैं एक एक लफ्ज़ का कर रहा हूँ कि जवानों को अल्लाह करे शौक हो जाए, कोई मुश्किल नहीं। कितने लोग हैं जो पाँच पाँच छः छः साल से तफसीर सुन रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं की कि खुद भी कोशिश करें जरा करने की, थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो दिल में उतरना शुरू हो जाएगा। कुरान है ही आसान है, अल्लाह ने आसान किया। वकील लिज़्ज़ालिमीन, और कहा जाएगा लिज़्ज़ालिमीन ज़ालिम से लूको चखो मा कुंतुम तकसिबून, उन गुनाहों की सजा मा कुंतुम तकसिबून जो तुम कमाया करते थे। कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और अगर नहीं मानोगे इस कुरान को, ये अहसन हदीस है, ये अल्लाह ने उतारा है और इसी पर कहा गया कि कुरान उसी को कहेंगे जो अरबी में है और सवाब उसी पर मिलेगा पढ़ने पर तिलावत पर जो अरबी में है। अगर किसी और जबान में आदमी तिलावत करेगा वो अल्लाह का उतारा हुआ नहीं है, वो उसके मानी को अदा करने की कोशिश की गई है। और जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि किसी भी कलाम को दूसरी जबान में तर्जमा करने से वो मज़ा बाकी रहेगा जो असल जबान में है नहीं। इकबाल की किताबों का कितना तर्जमा किया गया लेकिन वो मज़ा आया जो इकबाल की असल शायरी का था, तो अल्लाह का कलाम कहीं तर्जमा होकर के वो कुरान थोड़ा रहेगा, वो तो उसके मानी को अदा करने का एक तरीका है। जो इस कुरान को नहीं मानते कोई नई बात नहीं, कहा तुम पहले थोड़े हो, तुमसे पहले भी बड़े झूठे आए हैं, कज़्ज़बा झूठ समझा था, अल्लज़ीन उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे, मक्का वालों से अरब वालों से आज की दुनिया से पहले थे, इससे पहले तौरात को अंजील को ज़बूर को भी लोग झूठा कह चुके, फिरौन ने कुरान को थोड़ा झूठा कहा था, उस दौर के अल्लाह के कलाम को झूठा कहा, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहा। अगर जो तौरात अभी तक नहीं उतरी थी लेकिन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया उसको उसने झूठा कहा, फिर क्या हुआ, फअताहुमुल अज़ाब, तो आया उनके ऊपर अज़ाब, मिन हैथु ला यशुरून, उस जगह से जहाँ से उनको ख्याल भी नहीं था। ये कमाल अल्लाह की शान है, अल्लाह कभी भी इस तरह के जालिमों से ताकत छीनता नहीं है, वरना हर दुश्मन जब दूसरे पर हमला करता है उससे हथियार छीनता है, उससे उसकी ताकत छीनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर पड़ता है और पढ़ते पढ़ते वो हारता है और मर जाता है। अल्लाह ताकत छीनता है, फिरौन का जब बेड़ा गर्क हुआ पूरी ताकत उसके पास, क्यों, ताकि उसको ये अरमान न रहे कि अगर मेरी ताकत मेरे साथ होती तो मैं मुकाबला कर सकता, ना सारी ताकत उसके साथ है मगर उसके कुछ काम नहीं आई। कज़्ज़बा झूठा समझा था, अल्लज़ीना उन लोगों ने इसको अल्लाह के दीन को अल्लाह के नबियों को अल्लाह के कलाम को, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, फिर क्या हुआ, फअताहुमुल अज़ाब, आया उनके पास अज़ाब, हैसु ला यशुरून, उस जगह से जहाँ से उनको कभी ख्याल भी नहीं था कि ऐसे भी अज़ाब आएगा। फअतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, सूरह नहल में आज ही पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आ गया उनके किलों की बुनियादों के पास, मतलब उन लोगों ने अपने किलों को मजबूत किया, दीवारें पक्की बनाई, छत पक्का बनाया, ये ख्याल ही नहीं था कि कोई जड़ों से खींच लेगा। ये तो एक तशबीह दी गई उनके जो प्लान थे उनके जो मंसूबे थे उनको, तुमसे पहले लोगों ने भी बड़ी बड़ी मक्कारियां की थी, कैसी मक्कारियां, अगरचे उनकी मक्कारियां हिमालय पहाड़ से पड़ी थी मगर जब अल्लाह ने चाहा तो उनकी सारी तदबीरें अनकबूत की तरह मकड़ी के जाले की तरह हवा हो गई, अल्लाह की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके, अल्लाह का अज़ाब वहां से आ गया, ला यशुरून, जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं था। फिर क्या हुआ, फअज़ाकहुम, तो चखाया, अज़ाका फा दो, जब ये कुरान में आए फा माना दो, अज़ाका चखाया हम उनको, अल्लाहु अल्लाह ताला ने किसको, अलखिज़्या फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में रुसवाई को जिल्लत को चखाया। अल्लाहु अकबर, कौम आद पर हवा मुसल्लत हुई, सब के सब मुंह के बल गिरे हुए, कौम समूद के ऊपर एक चीख मुसल्लत हुई, सब के सब ढेर हुए। कुरान पाक कहता है कौम आद के लिए ऐसा लग रहा है जैसे खजूर के तने पड़े हैं, और फिर फिरौन पर अजाब आया तो किस तरह वो पानी में डूबे, अल्लाह ने उनको चखाया, अलखिज़्या रुसवाई
जिल्लत फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में इशारा है अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको भी दुनियावी जिंदगी कई रुसवाई चखनी है। लेकिन ये असल फैसला नहीं, दुनिया में तो सिर्फ चखने के लिए है, असल मसला आखरत का। वो क्या? वल अज़ाबुल आखिरति अकबर, और आखरत का अज़ाब तो अकबर बहुत बड़ा है, उसका कोई हद्द हिसाब नहीं। लो कानू यालमून, काश के वो जान लेते इस बात को। वलकद ज़रबना लिन्नासि फी हाज़ल कुरआन मिन कुल्लि मसल, समझना नहीं चाहते, वरना हमने कुरान पाक में घुमा घुमा करके, फिरा फिरा करके, मजमून बदल बदल करके, मिसालें दे दे करके किस किस तरीके से समझाया। वलकद ज़रबना, और यकीनन हमने बयान किया, ज़रबा के मन मारना भी, लेकिन जब इसके बाद मसल आए तो पूरे कुरान में इसका मन बयान करना। वलकद ज़रबना, और यकीनन हमने बयान किया, लिन्नासि लोगों के लिए, फी हाज़ल कुरान इस कुरान में किसको बयान किया, मिन कुल्ली मसल हर किस्म की मिसालें पेश की समझाने के लिए, मुख्तलिफ ढंग से बात को समझाया। और एक मिसाल यहाँ भी आ रही है आगे, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि लोग समझें, यतज़क्करून ताकि लोग नसीहत हासिल करें, ताकि लोग अक्ल व दानिश से काम लें। सब मना यतज़क्करून, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद के वो समझे, काश के वो समझे, ताकि वो समझे। सब मना इसके और कुरआनन अरबियन गैर दी इबजिन लअल्लहुम यत्तकून, कैसा कुरान उनको अता किया है जिसमें हर किस्म की मिसालों से उनको समझाया है। कुरआनन अरबियन, ठेठ अरबी जबान का कुरान है, खालिस अरबी जबान, अरबिया बुहा खालिस अरबी जबान, टकसाली अरबी जबान, ठेठ अरबी जबान, बिल्कुल टिपिकल अरबी, उस खालिस अरबी में कुरान पाक उतरा है जिसको अरब ने माना कि वाकईतन ये अरबी है, और इससे बेहतर कोई अरबी जबान में चीज़ नहीं लिखी जा सकती है। अरबी में क्यों उतारा? इसलिए कि पहले मुखातब अरबी थे, नहीं इससे आगे बढ़ो, ये सारी दुनिया के लिए है, लेकिन जो बात कुरान कहना चाहता था वो अरबी के सिवा किसी दूसरी बात में कही, किसी दूसरी जबान में नहीं कही जा सकती थी। जो लोग कुरान पाक के तर्जमे से वाबस्ता हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। कई सालों से मुख्तलिफ जुबानों में कुरान पाक के मानी का तर्जमा देखता हूँ, यकीनी तौर पर कुरान के किसी मौके को भी दूसरी जबान में पूरे तौर पर अदा करना आसान काम नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो जो बात अल्लाह कहना चाहता था वो अरबी के सिवा किसी दूसरी जबान में कही नहीं जा सकती थी। जो असर उसका दिलों पर होना था वो अरबी में ही होना था, और आज भी इसके बावजूद के लोग अरबी न समझें, अरबी में पढ़िए मगर पढ़ने की तरह पढ़िए, फिर देखिए उसके ऊपर कैसा असर होता है। कुरआनन अरबियन, अरबी जबान का कुरान है, गैर दी इवज, इसमें कोई टेढ़ नहीं है, मतलब जरा सी कमजोरी नहीं है इसमें। अरबी कवायद और उसकी ग्रामर के एतबार से 1450 साल बीत गए, आज तक कोई इसमें खता नहीं निकाल सका। जो कुछ कुरान पाक ने पीछे की बातें बयान की आज तक कोई गलती नहीं निकाल सका कि ये किस्सा गलत है, और जो आइंदा की बयान की है आज तक कोई नहीं बता सका ये गलत बात है, बल्कि उस वक्त के लिए जो पेशन गोइयां की थी अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, उसी तरह हुआ। किसी एक बात के लिए कोई नहीं कह सका कि कुरान ने ऐसा कहा था मगर वैसा हुआ नहीं। अबू लहब ने आग की तरफ दोनों पत्थर उठाए दोनों हाथों में और कहा तब मल्लका सायर अल्यौमी अलिहादा जमाताना, कुरान पाक ने उसी से ले लिया लफ्ज, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब भी बर्बाद हुआ और उसके हाथ भी टूटे, उसका माल भी उसके कुछ काम नहीं आया, उसकी औलाद भी उसके कुछ काम नहीं आई। ये कुरान की पेशन गोई थी, बिल्कुल इसी तरह हुआ। अबू लहब उस बीमारी में मुबतला हुआ, आज की जबान में समझो कोई कोरोने का भाई या उसकी बहन थी, ऐसी बीमारी जिसके ऊपर डॉक्टरों ने कहा ये पूरे मक्का में फैल जाएगी, इसको दूर छोड़कर आओ पूरा घर इससे मुबतला होगा और टाउन से मर जाएगा। तो उसको एक गुजार घर के अंदर छोड़ करके आए, और फिर क्या था, उन्होंने मजदूर रखे कहीं हमको बीमारी ना लग जाए, कि इसको रोजाना रोटी देकर आओ। वो रोटी कहाँ देते थे, उसके सुराख से ऊपर से कहते थे हम रोटी फेंक रहे, अच्छा अच्छा माल खुद खा जाते थे और कोई बेकार चीज़ हो उसको फेंक देते थे, यहाँ तक कि वो मर भी गया और मजदूर कह रहे थे कि हम रोटियां दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं। उसकी बदबू फैली, तब उसके लड़कों को लोगों ने कहा कि तुम्हारा बुड्ढा मर गया है, पूरे मक्के में उसका ताफुर बदबू फैली हुई है, उसको ले जाओ उठा करके कहीं बाहर डालो। बेटों ने उसकी लाश को भी नहीं उठाया,
मजदूर रखे, उन मजदूरों ने दूर से उसके गले में रस्सा डाला और खींच कर लेकर पहाड़ों पर डाला। जो कहा कुरान पाक ने किस तरह पूरा हुआ उसी तरह, इसी को मैं कह रहा हूँ इवज, किसी किस्म का इसमें टेढ़ नहीं। मैंने कहा अल्फाज में टेढ़ नहीं, मानी में टेढ़ नहीं, जो पिछली बातें बयान की उसमें कोई कमी नहीं, जो आइंदा की पेशन गोई है उसमें कोई कमी नहीं। लअल्लाहुम यत्तकून, इसलिए बयान किया ताकि लोग गुनाहों से बचें, लोग अल्लाह की नाफरमानी से बचें, लोग कुफ्र और शिर्क करने से बचें। लअल्लाहुम यत्तकून, ताकि लोग कुफ्र से बाज आ जाएं, मगर लोग फिर भी बाज नहीं आते। मिसालें पेश करते हैं अल्लाह के लिए, क्या मिसालें, इसके लिए कहा फला तद्रिबू लिल्लाहि अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत पेश करो। अगर अल्लाह, कौन सी मिसालें, कि अल्लाह एक बड़ी ताकत है, उसके पास पहुंचने के लिए हमको वास्ते चाहिए, सूरत के शुरू में यही तो था ना, तो हम डायरेक्ट कैसे अल्लाह के पास जाएं। फरमाया ये मिसाल मुनासिब मिसाल नहीं, अगर अल्लाह के लिए कोई मिसाल सुननी है तो हमसे सुनो, मिसाल सुनो। ज़रबल्लाहु मसला, अल्लाह ताला मिसाल पेश करता है रजुलन, एक गुलाम की, रजुल से ऐसे तो कहते हैं मर्द को, लेकिन यहाँ मुराद है गुलाम, एक गुलाम की मिसाल पेश करता है। फी ही शुरका, जिसमें कई शरीक हैं। गुलाम नौकर को नहीं कहते, गुलाम मार्केट में बिकते थे और 10 लोग मिलकर के एक गुलाम खरीद लेते थे। मसलन 1,00,000 रुपये का गुलाम है, सब ने 10-10,000 रुपये दिए, 10 लोग ने एक गुलाम खरीद लिया, अब 10 लोग इसमें शरीक हैं। अगर ये अक्लमंद और थोड़े से बुर्दबार और तहम्मुल के मिजाज वाले हैं तो ये 10 लोग गुलाम से कुछ ना कुछ काम ले लेंगे। एक कहेगा भाई सुबह मेरा काम कर दे, दोपहर को इसका काम करना, शाम को इसका काम करना, रात को इसका काम कर देना, फना वक्त में इसका काम कर देना, मगर वो हैं भी कैसे, पुराने काम तो शाह की सोना, बददिमाग किस्म के हैं, चिड़चिड़े किस्म के हैं, अपने बच्चों से और घर वालों से झगड़ा करते हैं। तो गुलाम का क्या हाल है, सारे के सारे इसी तरह। अब वो एक के लिए चाय बनाता है, दूसरा उसको कहता है भर के मेरे लिए रोटी क्यों नहीं ला रहा, दूसरे के लिए रोटी लाता है, तीसरा कहता है मुझे पानी क्यों नहीं पिला रहा है, चौथा कहता है मेरा बिस्तर क्यों नहीं डाल रहा है, पांचवा कहेगा मेरे लिए फला चीज क्यों नहीं बाजार से ला रहा है। तो गुलाम बेचारा क्या करेगा, एक की बात न माने उधर से थप्पड़, दूसरे की बात न माने उधर से लाते, तीसरे की बात न माने उधर से जूते, चौथे की बात न माने उधर से गालियां, क्या बनेगा इस गुलाम का। और ये तो मैंने 10 ही लोगों का गुलाम कहा है, और जो 33 करोड़ का गुलाम हो उसका क्या बनेगा, किस किस को राजी करेगा वो, इस पे इतने डालो, उस पे इतने डालो, इसके कपड़े लगाओ, उसके कपड़े लगाओ, वो कितना बेचारा परेशान होगा। एक ये गुलाम है, आहा, एक गुलाम क्या है, वरजुलन सलमल्ली रजुल, और एक वो गुलाम है जो अकेला एक ही आदमी का है, और वो आदमी भी बड़ा ही बर्दाश्त करने वाला और बहुत ही माफ करने वाला, बहुत ही माफ करने वाला है। कैसा माफ करने वाला, बात खालिक की है, अलियाज़ुबिल्लाह वहां कोई सोच ही नहीं सकता। मैं मखलूक में से हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पेश करता हूँ। हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर मदीना तशरीफ लाए, मेरे सौतेले अब्बा अबू तलहा ने मेरा हाथ पकड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इन अनस गुलामुन कयिसुन, ये जो अनस है ये बड़ा समझदार बेटा है, मैंने इसको इसलिए लाया, फलयख्तुम हो, फलयख्तुम का, ये आपकी खिदमत करेगा। फरमाया मैंने 10 साल आपके पास गुजारे, जो काम मैंने किया कभी नहीं हुजूर ने फरमाया ऐसे क्यों नहीं किया, और जो काम नहीं किया हुजूर ने कभी नहीं फरमाया इस तरह क्यों नहीं किया। अल्लाहु अकबर, या तहम्मुल और बर्दाश्त है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन यहाँ गुलाम किसका है, अल्लाह का। तो अल्लाह कितना माफ करने वाला, कितना बर्दाश्त करने वाला है, एक वो उसका गुलाम है, एक लाखों और करोड़ों का गुलाम है, वो फैसला करो किसका गुलाम बनना है। अल्लाहु अकबर, क्या मिसाल दी, ज़रबल्लाहु मसला, मिसाल पेश की अल्लाह ने रजुलन, एक गुलाम की, फीही शुरका, उसमें कई कई शरीक हैं, मगर शरीक कैसे, मुतशा की सूना, जो चिड़चिड़े हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, गुस्से के मिजाज वाले ना होते ना बाल लोग, खाम खामे गुस्सा, खास तौर से कोई बड़े घर का लड़का अफसर बन गया तो उसको देख रहा है गालियां पक रहा है, बस ऐसे ही कुछ, उसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, मुतशा की सूना, चिड़चिड़े मिजाज के हैं। वरजुलन सलमन लिरजुल, और एक वो गुलाम है सलमन, जो पूरे का पूरा एक ही का है,
लेकिन यहाँ तो कहा ना रजुल बंदे का है, बंदा बर्दाश्त करने वाला, हालांकि हकीकत में ये गुलाम किसका बनेगा? अल्लाह का बनेगा। हल यस्तबिया नि मसला, ओ अक्ल वालों बताओ क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हल यस्तबिया नि, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? मसलन हालत के एतवार से अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो अल्लाह के गुलाम हैं वही हमेशा सुखी हैं, वही चैन में रहते हैं, कोई मजे में है, और जो लाखों के गुलाम हैं वो तो बस पई बंदगी नहीं कबूल मेरी, सजदा कर दिया मथड़ा का सिया, कभी यहाँ माथा कभी वहाँ माथा टेका, कहाँ कहाँ टेका। उसने कहा वो सर ही क्या जो दर पे ना झुके, उसने कहा वो सर ही क्या जो हर दर पे झुके। ये सर कहाँ है जो हर दर पर झुक रहा है? इसको सर न कहो, इसको पैर कहो। बट अक्सर ला यालमून, हाय जबरदस्त मिसाल है, मगर उनमें से अक्सर वो है ला यालमून, जो जानते नहीं। जब गुस्सा होते हैं तो क्या कहते हैं? ये मरेगा तो हमारी जान छूटेगी। इस तरह तो ये ऐसी ऐसी मिसालें देता है ना, हमारी बोलती बंद करा देता है। अबू जहल, रुतबा, ये बड़े बोलने वाले लोग थे। सुहैल बिन अमर जबरदस्त स्पीकर, क्या तकरीर करता था, लोगों को किस तरह भड़काता था इस्लाम के खिलाफ। हज़रत उमर ने फरमाया था गज़वा बद्र में जब गिरफ्तार हुआ, कहा मुझे इजाजत दो इसके दो दांत तोड़ दो, आपने फरमाया कैदी है, अब कैदी को कुछ नहीं कह सकते हैं। सुहैल के नंबर जैसे लोग, सुफियान हैं, अबू सुफियान किस कदर जबरदस्त बोलने वाले लोग, जबरदस्त शायर, मुकाबला करने वाले, यानी जिनके अंदर बात को मनवाने की ताकत थी, मोटिवेशन पावर थी उनके पास, मगर कुरान के सामने वो लाजवाब थे। जब लाजवाब होते थे तो क्या करते? कोसते थे, कहते थे ये मरेगा तो हमारी जान छूटेगी। ऐसे नहीं जान, जैसे आज भी कोई किसी से तंग होता है, कहता नहीं ये मरे तो मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह ने क्या कहा, दुश्मन मरे इतना खुशी ना करिए, वो सजना भी तो मर जाना। अगर दुश्मन मर रहा है और आप खुश हो रहे हो, कौन से कमाल है भाई? क्या तू नहीं मरेगा? कुरान ने इसका जवाब दिया, इन्नका मय्यितुन, बेशक आप मरने वाले हैं, तो इन्नहु मय्यितुन, ये भी तो मरने वाले हैं। आपके लिए कहते हैं मरेगा तो जान छूटेगी, चलो आप दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, और यकीनी तौर पर आप दुनिया से तशरीफ ले गए, आप पर मौत वाकई हुई, जो हम कहते हैं कि आलम बरज़ख में आप जिंदा हैं, सारे अंबिया किराम जिंदा हैं, उसका मतलब ये थोड़ा है कि जिंदा नबी को कब्र में डाल दिया गया, आपकी रूह मुबारक कब्ज नहीं हुई थी और उससे पहले ही आपको कब्र में डाल दिया गया, नहीं, आपको वो बरज़ख की जिंदगी ना हासिल हुई और वो जबरदस्त जिंदगी है, वरना दुनिया से तो आपने पर्दा फरमाया। कुरान ने उसी को कहा इन्नका मय्यितुन, बेशक आप मरने वाले हैं, वइन्नहु मय्यितुन, तो ये भी तो मरने वाले हैं। और फिर इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर बेशक तुम क़ियामत के दिन इंदा रब्बिकुम अपने रब के पास तख्तसिमून, झगड़ा करोगे, या झगड़ा करोगे, एक दूसरे के हुकूक मांगोगे, और फिर परवरदिगार हिसाब लेगा, और फिर किसके लिए क्या फैसला होगा, वो सूरत के शुरू से बार बार आ रहा है। लेकिन इस मौके पर मुफस्सिरीन हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल करते हैं, मैं मुनासिब समझता हूँ मजमू को सुना दूँ। आपने फरमाया, सहाबा से पूछा सबसे बड़ा गरीब कौन है, सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, हम तो उसी को गरीब कहते हैं, ला दिरहम लहु वला दीनार लहु, जिसके पास रुपया ना हो, पैसा ना हो। फरमाया नहीं नहीं, सबसे बड़ा मुफलिस। अर्ज किया आप ही बताइए, फरमाया सबसे बड़ा मुफलिस वो है जो दुनिया में बहुत नेकियां करता है, नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, जकात भी दी, हज भी किया, मगर क्या हुआ, क़यामत के दिन पहुंचा, किसी को गाली दी हुई और किसी की जमीन हड़पी हुई और किसी को मारा हुआ और किसी को पीटा हुआ और किसी को सताया हुआ, बस एक आया उसने कहा इसने मुझे ये यूं तकलीफ दी, तो रोजे वो ले गया। क्यों? इसलिए कि जब वहाँ कुछ देने के लिए तो है, इसकी नेकियाँ उसको दी गई। दूसरा आया उसने कहा इसने मुझे यूं सताया, नमाजें वो ले गया। तीसरा आया उसने कहा इसने मुझे यूं तंग किया, तो ज़कात वो ले गया। इस तरह सारी नेकियाँ चली गई, फिर कहा अभी हक तो पूरे नहीं हुए, कहा उनके गुनाह इसके सर ला दो, उसके बाद सुनबा उदखिना नार, फिर उसके बाद जहन्नम में दाखिल हो गया। हालांकि नमाज रोजे ज़कात सब लेकर आया था, ईमान वाला था, निकलेगा कभी जहन्नम से, लेकिन कब निकलेगा, कितना अरसा लगेगा, अल्लाह ही जानता है। इसलिए आपको अपने आप को टटोलना चाहिए,
कि अल्लाह के घर में आए हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इसका मतलब ज़कात भी देंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं क़यामत के दिन हमारी ये सारी चीज़ें छिन जाएं और बंदा सबसे बड़ा गरीब अकेला खड़ा रह जाए, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं उसके पास, ना उसके पास कोई नेकी है, बस गुनाहों की पोटली है जो उसने सर पर उठाई है। फमन अज़लम, तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन कज़ब़ अल्लाह, जिसने अल्लाह के ऊपर झूठ बोला। अल्लाह कहता है ये मेरा कुरान है, वो कहता है नहीं है, ये इसने पास से बनाया है, ये अल्लाह के ऊपर झूठ बोलना। वकज़्ज़बा बिस्सिदक़ी, और उसने सच्चाई को झूठा कह दिया, सच्ची बात को इद जाअहु, जब वो सच्चाई उसके पास आई उसको झूठा कहा। इससे बड़ा कायनात में कोई जालिम नहीं हो सकता है। वो पीछे की रिवायत ना, किसी ने किसी को सताया, किसी ने किसी पर जुल्म किया, किसी ने किसी की जमीन हड़पी, वो मैंने इसीलिए सुनाया, आप इसको इसके साथ जोड़ो ना, वो भी जुल्म था, मगर ये इससे बड़ा कायनात में कोई जालिम नहीं हो सकता है, जिसने अल्लाह को झूठा कहा और अल्लाह के कलाम को झूठा कह दिया। जब इज जाहु, जब उसके पास आया, अलैसा फी जहन्नम मथ्वन लिलकाफिरीन, अलैसा, क्या नहीं है फी जहन्नम, जहन्नम में मथ्वन ठिकाना, जगह, दिल काफिरी, ऐसे नाफरमानों के लिए, ऐसे मुनकिरों के लिए, ऐसे काफिरों के लिए। इसके मुकाबले में दूसरा, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी, और वो ज़ाते गिरामी जाअ, जो लेकर आए बिस्सिद्क़ी, सच्चाई को लेकर के आए अल्लाह के यहाँ से, वो कौन है, मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लेकर के आए, वसद्दक़ बिही, और दूसरा वो शख्स जिसने उस सच्चाई को सच माना, उस सच्ची बात को सच्चा माना। और सबसे पहले किसने सच्चा माना, सहाबाए किराम ने सच्चा माना, और उनमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सच्चा माना। इसलिए अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा इस आयत का मिसदाक पहले दर्जे में हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर दोबारा वल्लज़ी, और वो ज़ाते गिरामी जा, जो आए कि सिद्क़ की सच्चाई को लेकर के, वो सद्दक़ बिही, और वो जिसने उस बात सच को सच माना, उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये दोनों के दोनों बचने वाले हैं। किससे? अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह के अज़ाब से, हैं अल्लाह के गुस्सा से, ये है मुत्तकी, ये है परहेजगार। क्या मिलेगा उनको? लहुम मा यशाऊन, उनके लिए वो मिलेगा जो वो चाहेंगे। लहुम उनके लिए है, मा यशाऊन जो वो चाहेंगे। और ये पुराने पाक की बलागत और फसाहत है। आदमी कहे जन्नत में क्या मिलेगा, आप बताएं जनाब, बेहतरीन रूम मिलेगा, चाहे एसी होगा वहाँ, हाँ एसी भी, पंखे भी होंगे, हाँ पंखे भी होंगे, कालीन भी होगी, हाँ जी कालीन भी होगी। अब वो एक एक चीज गिनाता रहेगा, कितनी चीजें गिनेगा, एक लफ्ज में कह दिया, जो तू चाहेगा वो मिलेगा। और क्या चाहेगा आदमी, जितना चाह सके, फरमाया बंदा चाह ही नहीं सकेगा, फिर अल्लाह की तरफ से उसके दिल में डालेगा, ये भी चाह डाला जाएगा, ये भी चाह, ये भी चाह, ये भी चाह, और फिर वो चाह चाह के थक जाएगा, फिर कहा जाएगा वाला लदैना मज़ीद, और हमारे पास वो भी है जो तू चाह ही नहीं सकता है। और बुखारी की रिवायत है, उसका सबसे पहला मिसदाक क्या होगा, जो वो चाह नहीं सकेगा, कहा वो परवरदिगार फिर अपनी ज़ियारत कराएगा बंदों को, और बंदों को हेज मालूम होंगी उससे पहले सारी नियामतें, यहाँ तक कि 70,000 तक साल तक वो टिक टिकी बांधे देखते रहेंगे कि क्या मज़ा आया। ऐसा मज़ा तो किसी चीज़ में आया ही नहीं। लहुम मा यशाऊन, उनके लिए वो सब होगा जो वो चाहेंगे, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये बदला है नेकी करने वालों का, लियुकफ़िरल्लाहु अन्हुम, और उनको जन्नत में पहुंचाया गया, क्यों, लियुकफ़िरा, ताकि मिटाए अल्लाह ताला अन्हुम उनसे, अस्वा अल्लज़ी, उन बुरे कामों को, अल्लज़ी अमिलु, जो उन्होंने कर लिए थे। किसी भी ईमान वाले ने ईमान से पहले कुछ गुनाह किए या ईमान कबूल करने के बाद तकाज़ाए बशरियत से कुछ गुनाह कर दिए, लेकिन उसके बाद सच्ची तौबा के ऊपर मौत आई, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करेगा। क्यों? फरमाया उन सारी बुराइयों को मिटाना चाहता है जो उससे गलती से हो गई हैं, यहाँ तक कि उसके आमाल नामे में कोई बुराई मौजूद ही नहीं होगी। उन बुराइयों को तो मिटा दिया, मजीद वैज जिया, और उसको बदला देगा, अजरहुम, उनका अजर का बदला देगा, बदले में उनको सवाब देगा। किसका सवाब, किसका बदला, भी अहसन लदी कानु यामलून, उन बहुत अच्छे कामों का, अल्लदी कानु यामलून, जो वो किया करते थे। ये आयत बाज एतबार से मुश्किल है, अभी हमने तवज्जो नहीं की। अल्लाह उनको बदला देगा, उनका सवाब देगा, भी अहसन, उन बहुत अच्छे कामों की वजह से, इसमें तफसील, जो उन्होंने किए हैं बहुत अच्छे काम,
मैं और आप में से कौन है जो बहुत अच्छे काम कर सके, हमसे तो अच्छे भी ना हो सके। इम्तिहान देता बच्चा अभी कैसा रहा पेपर? हाँ ठीक ही रहा। ठीक ही रहने का मतलब कि कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। कौन कह सकता है कि बहुत ठीक रहा? तो बहुत ठीक तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर क्यों कहा वो बहुत अच्छे काम जो वो किया करते थे? एक तो ये बात बताने के लिए कि मोमिन के काम बहुत अच्छे होने चाहिए, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे। मतलब हर काम के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। थोड़ा अच्छा हुआ आदमी को कोशिश करनी चाहिए उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा। एक आदमी 50 साल से 60 साल से 70 साल से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन क्या उसको मुतमईन हो जाना चाहिए कि उसने कमाल दर्जे की नमाज पढ़ ली? नहीं, उसको कोशिश में लगा रहना चाहिए कि नहीं इससे अच्छी नमाज, इससे अच्छी नमाज। इसलिए कि अल्लाह ताला जजा तो अहसन की देगा बहुत अच्छे कामों की। मोमिन का हर काम अच्छा होना चाहिए। और दूसरा इसलिए कि कहा असल में काम तो वैसे ही करते हैं, लेकिन जो सवाब आपको मिलेगा वो अहसन के अतबार से मिलेगा। यानी काम तो किए वैसे ही, लेकिन जजा कैसी मिलेगी? जैसा कि इसने बहुत अच्छा काम किया। देखिए एक आयत मैंने दो तीन मरतबा सुनाई कि जो फतेह मक्का से पहले जिन्होंने नेकियां की और जो बाद में करेंगे दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। मगर हदीस मौजूद है, सही हदीस है, सियासी सिद्दा की हदीस है। आपने साहबा के मजमे में फरमाया मुझे अपने भाइयों से मिलने का दिल कर रहा है। साहबा इकराम ने अर्ज किया कि हम आपके भाई नहीं हैं। फरमाया अंतुम असहाबी, तुम मेरे सहाबा हो। अर्ज किया फिर आपके भाई कौन है? कहा वो जिनके ईमान हैरतनाक ईमान होगा। उन्होंने क्या किया? हमारे से बढ़कर किसी का ईमान हैरतनाक होगा? कहा तुमने मुझको देखा और कुरान को उतरते हुए देखा, बल्कि कई मरतबा तो जिब्राइल को आते हुए देखा इंसानी शक्ल में, और अल्लाह की मदद को आते हुए देखा, फतह और नुसरत को तुमने आके अपनी आंखों से देखा। तुम्हारा ईमान कौन सा हैरतनाक है? अर्ज किया हैरतनाक ईमान किसका होगा? फरमाया वो तबका जो क़यामत से पहले पैदा होगा जब बेदीनी की हवाएं चलेंगी, मगर उसके बावजूद वो अपनी ताकत के मुताबिक ईमान को दंत से पकड़ लेंगे और डट जाएंगे इसके ऊपर, ये मेरे भाई हैं, इनको सवाब दिया जाएगा पहले लोगों की तरह। अल्लाहू अकबर। अब काम कोई अहसन कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन जो जजा मिलेगी वो किसकी मिलेगी? अहसन की। असल में ये अरबी आपको बिल्कुल भी नहीं आती। एक है हसन, एक है अहसन। वो जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो सबसे ऊपर का दर्जा है अहसन, सबसे आगे, उससे आगे कोई जा ही नहीं सकता है। वो काम किसने किया? फरमाया काम तो वैसे ही करेंगे मगर बदला वैसे ही मिलेगा कि बहुत ही अच्छे किए। अहसन लल्लज़ी कानू यअमलून, उन बेहतरीन कामों की जो वो किया करते थे, अच्छा जजा मिलेगी, ये दीन गालिब आ जाएगा, ये फैल जाएगा पूरी दुनिया में। ये सुनकर के मक्का के मुशरिक इतने चिढ़ते थे, गुस्सा होते थे, और फिर आपको डराते थे कि अभी तो हमारे खुदाओं ने कोई ताकत दिखाई नहीं, वरना जब भी ये बेदार हो गए, इनकी शक्ति आप जानते नहीं हो, ये कैसी शक्ति के मालिक हैं, ये तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे, तुम इनकी बुराई करते हो। कुरान जवाब देता है अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा। क्या जवाब? अलैसा, क्या नहीं है अल्लाह? अलैसल्लाह, क्या अल्लाह नहीं है बिकाफिन, काफी अब्दा हुआ अपने बंदे को? अल्लाह अपने बंदे की मदद करने के लिए, उसको मुसीबतों से बचाने के लिए, उसको जन्नत में पहुंचाने के लिए, उसको जहन्नम से बचाने के लिए, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? वयुखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन दूनी, और वो आपको डराते हैं उन हस्तियों से जो अल्लाह से कम दर्जे की है। आपको पत्थरों से डराते हैं कि जनाब ये बड़ी शक्ति वाला बाबा है, ये बेड़ा गर्क कर देगा, ये बड़ी शक्ति वाली माता है, अगर यहाँ माता नहीं टेकोगे, चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह काफी नहीं है क्या? अल्लाह ताला इतना कमजोर हो गया क्या? दूसरों की मदद की तुमको जरूरत पड़ गई? अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, बड़ा जबरदस्त मजमून। क्या अल्लाह काफी नहीं है अब्दा हुआ अपने बंदे को? वही खबिफूनका, और वो डराते हैं मेरे हबीबा को बिल्लज़ीना, उन हस्तियों से मिन दूनी जो अल्लाह के सिवा हैं। वमन युदलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, असल बात क्या है? जिसकी बदआमाली की वजह से अल्लाह उसको गुमराह कर दे, फमा लहु मिन हाद, उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं है। वमन यहदिल्लाह, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे, नूरे ईमान अता फरमाए, उसको बीच समझ में आने लग जाए, फमा लहु मिन मुदिल, उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। यदि कि हजरत बिलाल को ईमान नसीब हुआ, सारे मक्का वालों ने ताकत आजमाई, उनको गुमराह नहीं कर सके। हजरत सुमैया को ईमान नसीब हुआ, औरत जात हैं,
بوڑھی ہیں مگر کوئی ان سے ایمان چھین سکا نہیں. حضرت نہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بیٹی وہ باندھی ہیں باندھی بیچی جانے والی خریدی جانے والی اس بیچاری کی قیمت ہی کیا ہے سارے گھر والے کو باری باری مارتے ہیں اور جب کبھی نمبر آتا ہے حضرت عمر کا تو مار مار کے تھک جاتے ہیں اور جب تھک کر کے بیٹھتے ہیں حضرت عمر تب ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں تجھ پر ترس کر کے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ تھک کر کے بیٹھا ہوں تو وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اگر تم کو ایمان نہیں نصیب ہوا اللہ تم سے خود نمٹے گا خود حساب لے گا اسی مار میں ایک دن ان کی دونوں آنکھیں چلی گئیں اور سب گھر والوں نے کہا کہ یہ تمہاں تیرے اوپر ہمارے خداوں کی مار پڑی ہے اور لات اور عزا کو تو نہیں مانتی ہے اس کی وجہ سے ان کی شان میں گستاخی کرتی ہے تیری آنکھوں کی روشنی چلی گئی پتا چلا ان کی کتنی شکتی کتنی پاور تھی انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے ان کے الفاظ ہیں حدیث میں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں چڑھاوا کون چڑھا رہا ہے اور کون یہ ہمارے سامنے سے اٹھا رہا ہے وہ کسی کی روشنی کون سے چھین سکتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوگا اللہ مجھ کو پھر روشنی عطا فرمائے گا رات کو سوئی صبح کو اٹھی دونوں آنکھوں میں واپس ویسے روشنی اللہ اکبر جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو خبالہ ہو میں مزل اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں علیہ السلام یا عزیز انتقام یا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے انتقام بدلہ لینے والا نہیں ہے وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور ان کے کہنا اللہ سے علاوہ اور عربی کا لفظ من دونی ہی اس کے لفظ معنی تھے اللہ سے کم درجے کی طاقتیں ان کو ان سے ڈراتے ہیں اور ان کی حیثیت بھی کیا مانتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ جو تم نے پتھروں کے بنائے ہیں یا جن کو بھی تم خدا کے سوا مانتے ہو ان میں سے کسی نے کائنات کو بنایا آسمان بنائی زمین بنائی کوئی چیز بنائی کہتے نہیں بنایا کسی نے اور کمال بات ہے میں کہہ رہا ہوں 33 کروڑ والوں سے پوچھو ان میں سے کسی نے آسمان بنایا کہتے نہیں زمین بنائی کہتے نہیں دریا بنائے کہتے نہیں یہ کائنات بنائی کہتے نہیں بنائی کس نے کہا بنانے والا تو ایک ہی ہے ولا انسان کا ہوں آگے وہ آیت میں بہت دفعہ سناتا تھا ولا اور قسم خدا انسان کا ہوں اگر آپ پوچھیں گے ہم ان کو من خلق السماوات کس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور کس نے پیدا کیا زمین کو لیقولن اللہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ یہ سارا کام کس نے کیا اللہ نے اللہ خلق اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ اب مانتے ہیں کہ خالق کون ہے اللہ پیدا کرنے والا کون ہے اللہ وہ ان کو وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں کہ یہ پیدا کرتے نہیں کہا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر سوال اگر اللہ پیدا کرنے والا ہے پھر غیر اللہ کی کیوں ضرورت پیش آئی ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں یہ مدد کرتے ہیں سوال ہوا اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے بولو ان میں سے کون ہے جو اس کو بچا سکے اللہ کسی کو بچانا چاہے کون ہے ان میں سے جو اس کو مار سکے اب کسی کو نہیں کہا اس کے لیے آپ نے آپ کو مخاطب کیا فرمایا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے ان میں سے کون ہے جو اس تکلیف کو ہٹا سکے اور اگر اللہ مجھ پر کوئی کرم کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روک لے اوپر کہ نہیں ہونے دیں گے جس پر خدا کی مہربانی نہیں ہونے دیں گے کوئی ہے ایسا کوئی ایک بھی نہیں ہے خود آپ فرما دیجیے افرائیتم تو کیا تم نے غور کیا ما تدعون جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ان ارادنی اللہ اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں میرے ساتھ حالانکہ کہنا تھا کسی کو مارنا چاہے کون بچا سکتا ہے کسی کو بچانا چاہے کون مار سکتا ہے لیکن کسی کو سامنے والا کہتا اچھا مجھے کہہ رہا تھا اس لیے کیا کیا اپنے آپ کو مخاطب کیا اگر اللہ مجھ پر کوئی تکلیف لانا چاہے ہر ہن کاشفات ضر کیا یہ ہیں کاشفات ہٹانے والے ضر ہی اس کی تکلیف کو کون کون ہٹا سکتا ہے بولو کون کون ہٹا سکے گا اب جس کو کہیں گے ہٹا سکے گا اسی کا بھی دم توڑ دے اسی کو مار دے کا تو مر گیا کون ہٹا سکے گا اور ارادانی برحمت یا اللہ ارادہ کرے مجھ پر مہربانی کرنے کا کل ہم نہ منسکات رحمت ہی ہے کوئی ان میں سے منسکات رحمت ہی اللہ کی رحمت کو روکنے والا ہے کوئی وہ بھی جواب دیتے تھے کوئی اللہ کی رحمت کو روک جا سکتا تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا اللہ کی مہربانی کو روک نہیں سکتا تو یہ کس طرح خدا بن گیا قل حسبی اللہ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کافی نہیں تھی ابھی اور کی بھی ضرورت ہے
और मैं कहता हूँ कलमा पढ़ने वालों को भी अपने दिमाग से नहीं दिल से कीड़ों को साफ करने की जरूरत है। अल्लाह के अलावा किसी को मदद गाओ, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है भाई? अल्लाह थक गया है, वो बेबस हो गया है, वो नहीं कर सकता है, तो आप दूसरे को पुकारने की जरूरत है। अल्लाह के हबीब को कहा जा रहा है कुल, कह दीजिए हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। और जो अल्लाह को समझे कि काफ़ी नहीं है और वो इधर भी टकरे मारे उधर भी टकरे मारे, कोई पीली झंडी देखी वहाँ सजदे, कोई हरी देखी वहाँ सर झुका लिया, इसका मतलब वो समझता है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी नहीं है और उसका भरोसा अल्लाह पर नहीं है। पता नहीं किस किस के ऊपर उसका भरोसा है। अलैहि यतवक्कल, उसी पर भरोसा करना चाहिए। अल मुतवक्किलून, भरोसा करने वालों को, कुल या कौमी मा मकानतकुम, कुल नहीं मानते हो, आखिरी बात है, आप फरमा दीजिए मेरी कौम के लोगों अगर मेरी बात नहीं मानते, तुम करते रहो अपना काम जो तुम कर रहे हो, तुम अपने काम नहीं छोड़ते तो मैं क्या दीन की दावत देना छोड़ दूँ, मैं भी अपना काम नहीं छोड़ूंगा। अनकरीब नतीजा सामने आएगा, पता चल जाएगा। अभी छटेगी फिर मालूम होगा कौन घोड़े पर है कौन गधे पर है। बोलिया कौम इमलु, आप फरमा दी या कौम, ए मेरी कौम, इमलु अला मकानतिकुम, करते रहो फिर तुम अमल करो, अला मकानतिकुम, अपने तरीके पर जिस जगह पर तुम चल रहे हो, चलते रहो नहीं मानते। इन्नी आमिलुन अला मकानति, छुपा हुआ है, मैं अपने तरीके पर काम करूंगा, मैं दीन की दावत देना कभी छोड़ूंगा नहीं। फसव फतालमुन, हम करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, क्या मालूम होगा, मैं याती अदाबुन, वो कौन आदमी है, याती ही आएगा उसके ऊपर अजाबुन, ऐसा अजाब, युखजी ही, जो उसको जलील करके रख देगा। ये खुद वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा, अभी पता चलेगा किस पर अजाब आता है। ये कुरान की धमकी थी, अबू जहल पर अजाब आया, उकबा और शैबा और वलीद पर अजाब आया, और उन्होंने देख लिया सारे आलम ने कि कुरान की पेशनगोई पूरी हुई। नहीं आती ही, वो कौन है जिस पर अजाब आएगा, युसी ही, जो उसको जलील करेगा। वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, और ये तो दुनिया का अजाब जो उसको जलील करेगा, फिर उतरेगा उसके ऊपर वो अजाब, मुक़ीम, जो हमेशा हमेशा रहेगा। इन्ना अनज़लना अलैकल किताबा लिन्नास बिल्हक, शुरू से कुरान का जिक्र है, ये कुरान हमने आपको दे दिया है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना अनज़लना, बेशक हमने उतारा अलैका आप पर, अल किताबा, इस किताब को, लिन्नास, लोगों के लिए, बिल्हक, हक के साथ उतारा, सच्चा दीन देकर उतारा। हक वही है जो इस कुरान में है, हक वही है जो अल्लाह ने उतारा है, इसके सिवा सब का सब झूठ है, सब का सब बातिल है। फमन इहतदा, आप जो हिदायत इख्तियार करेगा और जो इस कुरान को मानेगा, फली नफसी ही, तो वह अपने लिए मानेगा, उसका फायदा उसी को होगा, उससे कुरान का कोई भला नहीं हो जाएगा, उससे हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फायदा नहीं, उससे अल्लाह की खुदा की खुदाई में कोई इजाफा नहीं होगा। फली नफसी ही, वो अपने लिए ही हिदायत इख्तियार करेगा। वमन दल्ला, और कुरान आ चुका है और लोगों को समझा दिया गया इस कुरान के आने के बाद, मन दल्ला, जो गुमराह रहेगा, जो भटका रहेगा, जो रास्ते से फिसला रहेगा, फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो वो फिसलेगा, वो भटकेगा, वो गुमराह होगा, अलैहि, अपने ही खिलाफ। अपने खिलाफ होने का मतलब उसकी गुमराही की सजा उसी को मिलेगी। वमा अंता अलैहिम बिवकील, और ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अंता अलैहिम, आप नहीं हैं इन पर बिवकील, जिम्मेदार, आप इनके ठेकेदार, आप इनके वकील नहीं हैं कि कल क़यामत के दिन ये गुमराह उठें तो आपसे पूछा जाए कि आपकी मौजूदगी में ये गुमराह रहे कैसे। आपका काम इनको ज़बरदस्ती मनवाना नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह भी ज़बरदस्ती नहीं मनवाना चाहता है। तो दूसरे मकाम पर आया ना सूरह अल इफ़लाह में, सजदा में पढ़ते हर जुमे को, कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको हिदायत दे देता, लेकिन वो मजबूर करके हिदायत देता नहीं, और वो मकसद ही नहीं है, फिर तो इम्तिहान ही खत्म हो गया। नहीं, रास्ते दोनों बता दिए, हदैना हुम नजदैन, ये दोनों रास्ते सामने हैं, जिसका दिल चाहे फमन शाह फलयूमिन वमन शाह फलयकफुर, जिसका दिल चाहे वो ईमान लाए, जिसका दिल चाहे वो काफिर रहे। वमा अंता, और आप नहीं हैं अलैहिम, उन पर बिवकील, जिम्मेदार, के करें वो और जिम्मेदारी आप उठाएं। अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीना मौतिहा,
अल्लाह की क्या शान है। फरमाया जब अजाब आएगा और तुम्हारी किस तरह जान निकलेगी और फिर किस तरह वो जिंदा करके दोबारा तुमको सजा देगा, इसको समझना हो तो अपनी ज़िंदगी पर गौर कर लो। जो लोग जी रहे हैं जब उनको नींद आती है तो क्या एक तरह से मौत नहीं आ जाती है। इंसान जिंदा होता है मगर ना देखता है ना समझता है ना सुनता है ना बोलता है, हालांकि उसके बावजूद कि वो जिंदा है क्या हुआ उसको, एक तरफ समझो एक एतबार से उसकी जान को ले लिया गया है। और हर आदमी जब नींद की आगोश में जाता है गोया वो एक एतबार से मौत की आगोश में जाता है। इसीलिए हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया कि आखिरी वक्त में जब सोने लगो तो क्या कहो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु व अहया अस्लमतु वजही इलैक وَفَضَّلْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ يَا آخری وقت میں کہے ہے پروردگار میں مرتا ہوں تیرے نام سے، حالانکہ ابھی مر تو نہیں رہا ہے سو رہا ہے، کہا یہ سونا بھی تو ایک طرح سے موت ہے۔ اللہ یہ توفا اللہ پورا پورا لے لیتا ہے اللہ اس جانوں کو، حین موتھا ان کی موت کے وقت میں روح کو واپس لے لیتا ہے، واللتی اور وہ جانے لم تمت جو ابھی مری نہیں، فی منامیہا ان کی روح بھی لے لیتا ہے ایک اعتبار سے، فی منامیہا ان کی نیند میں، منام کے منا نیند، فی منامیہا ان کی نیند میں، پھر کیا ہوتا ہے فیمسک اللتی قضا علیہا الموت تو روک لیتا ہے اس کی جان کو، قضا علیہ الموت جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ سوتا ہے تو پھر سوتا ہی رہتا ہے، پھر کبھی جاگتا نہیں ہے، گویا اس کی روح چلی گئی تھی واپس ہی نہیں آئی، ادھر ہی روک لی گئی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور دوسری کی روحوں کو بھیجا جاتا ہے واپس، گویا آدمی دن میں چار مرتبہ سو رہا ہے تو چار مرتبہ روح واپس آ رہی ہے اور یہ بار بار واپس بھیجی جاتی رہے گی بھیجی جاتی رہے گی بھیجی جاتی رہے گی، کب تک، الى اجل مسمى یہاں تک کہ متعین کیا ہوا وقت آ جائے موت کا وقت۔ جب تک وہ نہیں آتا تب تک لوگ کیا کہتے ہیں کہ موت کے منہ سے واپس آیا، ارے بابا موت کے منہ سے کون آتا ہے، عربی شاعر نے کہا موت کے پنجوں سے بھی کوئی نہیں آتا ہے، جب موت پنجے گاڑتی ہے اس پنجوں سے بھی کوئی نہیں چھوڑتا، تو کہتا ہے موت کے منہ میں سے کیسے بےہودے جملے ہیں، موت کے منہ سے کوئی نہیں آتا، ابھی گیا نہیں تھا، الاجل مسمی ایک متعین وقت تک، اور جب وہ متعین وقت آتا ہے بس اس کا کام ہو گیا، اب واپس نہیں آ سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ پروردگار کی شان ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی کیوں پوجا کرتے ہو، کہنے لگے غیر اللہ کو ہم اللہ نہیں مانتے ہیں، ہم صرف اتنا مانتے ہیں کہ یہ سفارشیں کر کے ہمارے کام بنا دیتے ہیں۔ ہم نے سورت کے بالکل شروع میں کیا پڑھا تھا، لا یقربونا اللہ زلفا یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے، کیسے قریب کرتے ہیں، کا سفارشیں کرتے ہیں، ام اتخذوا کیا بنائے ہیں اللہ کے علاوہ شفعاء کچھ سفارشی کہ جو سفارش کر کے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، خود آپ فرما دیجئے کس کو سفارشی بنا رہے ہو، اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا اگر وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو، ان کو کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہ ہو، وَلَا يَعْقِلُونَ اور وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، پھر بھی وہ اللہ کے پاس سفارش کر دیں گے، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا آپ کہہ دیجئے ساری کی ساری شفاعت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس ہونے کا مطلب ایک وہ شفاعت ہے جو قیامت کے دن ہوگی، مگر وہ اللہ کے پاس ہے جس کے لیے اللہ چاہے گا اپنے پیغمبروں سے کہے گا اس کی شفاعت کرو، تو وہ شفاعت تب کریں گے جب اللہ فرمائے گا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى نہیں وہ سفارش کریں گے کسی کی مگر جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو گویا وہ تو بخشش کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے بخش دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دے کہ وہ شفاعت فرمائیں، یا نیک بندوں کو اجازت دے دے وہ شفاعت فرمائیں، شہیدوں کو اجازت دے دے، اولیاء کو، علماء کو، صلحاء کو، حفاظ کو، مگر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اگر اللہ ناراض ہو تو کیا کوئی شفاعت کر کے کسی کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ناراض ہے
आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से शफात की क्या जन्नत में चले गए? अल्लाह नाराज है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में भी दुआएं की और बुखारी की रिवायत है आखिरत में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ऐ परवरदिगार, तूने कहा कि मैं क़यामत के दिन तुझे रुसवा नहीं करूँगा, तो आज मेरे बाप को अगर जहन्नम में डाला गया तो इससे बड़ी कौन सी रुसवाई होगी? मगर उसके बावजूद भी उनका बाप जहन्नम में जाने से बचेगा नहीं, बल्कि बुखारी की हदीस है उनसे कहा जाएगा उधर देखो इधर देखो, यानी एक लम्हा ऐसे करके वो पलट के जब बाप को देखेंगे तो उसकी शक्ल इतनी बुरी नजर आएगी कि वो कहेंगे कि इसको जल्दी जहन्नम में डालो, इसलिए कि ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कुल लिल्लाह शफाअतु जमीअ, आप कह दीजिए सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के हाथ में है, उसकी शफात होगी जिसको अल्लाह चाहेगा। अगर कोई खुदा का नाफरमान है, अल्लाह उसको जहन्नम में भेजना चाहता है, तो कोई उसको शफात करके जन्नत में ले जा सकेगा? मैं दो मिसालें दी, नूह अलैहिस्सलाम की अपने बेटे के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बाप के लिए, दुनिया में भी दुआएं की, बुखारी की हदीस पेश की, आखिरत में उनके सामने उनको उसको जहन्नम में डाला जाएगा। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ध, उसी की बादशाही आसमानों में और जमीन में। फिर बादशाह उसको कहते हैं कि जिससे लोग जबरदस्ती चीजें छीन लें, वो बादशाह नहीं होता है, बादशाह वो होता है जो कुछ भी होता है वो उसकी मर्जी से होता है, वो अल्लाह है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ध, उसी के लिए बादशाही है आसमानों की और जमीन की। ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, फिर तुम सब को उसी की अदालत में लौटाया जाएगा, पेश भी उसी के सामने होना है। कितना भागो, कितना बचो, कितना भी कुछ करो, मगर उसकी अदालत से तुम बच नहीं सकते। और जब हर शख्स को ये मालूम है मैं कुछ भी करूं मगर उसकी अदालत में जाना पड़ेगा, तो फिर उसको वो काम करने चाहिए ना कि उसकी अदालत में उसकी बख्शिश हो सके। फिर तो उसको अल्लाह को राजी करने के काम करने चाहिए, मगर काम कौन से करने हैं? वइदा दुकिर अल्लाह, बस इस आयत का सिर्फ तर्जमा करके बात खत्म करता हूँ तफसीर का। वइदा दुकिर, तर्जमा इसलिए था कि कल तक हम सोचते रहे क्या मजमून है। वइदा दुकिर, और जब जिक्र किया जाता है, तस्करा किया जाता है अल्लाह, अल्लाह ताला का वहदहु, इस हाल में कि अल्लाह ताला बिल्कुल अकेला, एक अल्लाह का जिक्र होता रहे, अकेले अल्लाह का, इश्मा अज़्ज़त अंदर अंदर चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, जलते हैं। कुलूबुल्लज़ीन ला युमिनून, उन लोगों के दिल जो ईमान नहीं लाते हैं, बिल आखिरत आखिरत पर, अकेला अल्लाह का जिक्र, अकेली तौहीद 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 तौहीद, बस और कुछ नहीं है। वइदा दुकिर अल्लज़ीन, और जब जिक्र किया जाता है अल्लज़ीन, उन हस्तियों का भी जो अल्लाह के अलावा हैं, फिर क्या होता है? इलाहुम यस्तबशिरून, अचानक वो खिलखिलाने लगते हैं, कहते आज बयान हुआ, क्या मजा आया आज बयान में, क्या जबरदस्त बयान हुआ। इलाहुम यस्तबशिरून, अचानक वो खुश होने लगते हैं, ये क्या राज है, कुरान ये क्या कह रहा है। गौर करते रहिए, कल तक आप भी और मैं भी 45 नंबर आयत है, अगर घर में जाकर पढ़ना चाहें। सदक अल्लाह मौलाना अल-अज़ीम। ये तो बिल्कुल